असम विधानसभा में शुक्रवार के दिन नमाज के लिए मिलने वाली 2 घंटे की छुट्टी को खत्म करने के फैसले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। असम सरकार का कहना है कि उसने ये फैसला सभी विधायकों की सहमति से लिया है, लेकिन कई सारे विपक्षी दलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। सबसे पहले आपको असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का वो बयान सुना देते हैं जिसमें वो इस फैसले के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे MLAs ने रूल कमिटी में बैठा और ये अननिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, काल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। आप आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए ये सारी कवायद आपकी तरफ से। देखिए, ये तो जो डिसीशन हुआ उस डिसीशन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। तो आपने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सुना। हिमंता का कहना है कि उन्होंने ये फैसला सभी विधायकों की सहमति से लिया है और इस फैसले के पीछे का एकमात्र उद्देश्य राज्य की विधानसभा के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इस फैसले के बारे में असम की विधानसभा के स्पीकर को भी सुनना चाहिए, उन्होंने इस फैसले के बारे में क्या कहा। विधानसभाओं को देखा, कोई भी विधानसभा धर्म के नाम में, धर्म के किसी भी प्रियार के नाम में ऐसा मतलब हाउस बंद नहीं रहता है, अजर्न नहीं करता है। तो अगर ऐसा है पार्लियामेंट में भी ऐसा ही, पार्लियामेंट में ऐसा कोई रूल नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो क्यों ना हम भी इसको करें ताकि अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर विधानसभा का समय बहुत मतलब मीनिंगफुल्ली अच्छी तरह से हम भी उसको यूज करें, व्यवहार करें। तो इसलिए मैंने प्रस्ताव लाया जो हमारे यहाँ रूल कमिटी थे और सभी को मैंने ये जताया तो सबने सहमत किया और इसके अनुसार हमारे रूल कमिटी ने बाकी कुछ मतलब हमारे रूल का संशोधन ही की जरूरत थी, इसको भी संशोधन किया गया और 28 तारीख को विधानसभा में पेश किया गया। यहाँ पर अगर किसी का कुछ बोलना है कुछ है तो उनके लिए 3 दिन मौका दिया गया और आज देखा किसी का भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आज इसका मौसम हमारे अमीनुल इस्लाम डांगोड़िया माने उन्होंने जो हमारे माने आदरणीय मेंबर अमीनुल इस्लाम है उन्होंने मूव किया और हाउस के कंसर्न में इसको आज। असम विधानसभा के स्पीकर का कहना है कि ये फैसला 1937 में लिया गया था जब शुक्रवार के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को छुट्टी दी जाती थी, 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था ताकि वो नमाज पढ़ सकें। उस समय की जो भी परिस्थिति रही होगी उस हिसाब से फैसला लिया गया, लेकिन अब इस फैसले को बदलने की जरूरत थी। इस पर सभी सदस्यों से विचार विमर्श किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया, ये मुख्यमंत्री और असम के विधानसभा अध्यक्ष का कहना है। लेकिन इस फैसले पर बीजेपी के सहयोगी दलों ने ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष तो पहले से सवाल उठा ही रहा था। JDU के नेता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि ये फैसला एक समुदाय के खिलाफ लिया गया, एक समुदाय की भावनाओं के खिलाफ लिया गया है। अगर हिमंता सरकार सभी धर्मों को एक ही नज़रिए से देख रही है तो फिर असम में कामाख्या मंदिर में जो बलि दी जाती है जानवरों को उस पर भी रोक लगानी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है और यही वजह है कि वो इस तरह का फैसला नहीं ले रहे हैं। उन्होंने केवल जो असम विधानसभा में नमाज के लिए समय मिलता था इस पर उन्होंने रोक लगाई है। ये JDU नेता नीरज कुमार का कहना है जो JDU भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है NDA में। JDU के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके नेता राजू तिवारी हैं, उन्होंने भी इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने इस फैसले को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया है। JDU और LJP के अलावा RJD जिसके नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इस फैसले का विरोध किया। इस फैसले के विरोध में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हिमंता बिस्वा शर्मा केवल योगी आदित्यनाथ के चाइनीज वर्जन हैं, वो केवल मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बंटवारा करने वाली बयान करते, इस तरह बंटवारा करने वाली राजनीति करते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ ही नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन
शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। यहाँ बिहार में भी एक MLA या मंत्री कूद कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं है कोई। अब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार या सम्मान की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब वक्त आएगा आप देखेंगे ये बदल जाएगा, कोई चीज़ रहती नहीं है, अच्छी चीज़ें फिर से वापस आ जाएंगी। असम में जो नमाज़ असम में भी उनको हम कहेंगे, हुकूमत आए हम उनसे कहेंगे कि ये चीज़ मत करिए। ये मुल्क जो है ये एकता में अनेकता है, यहाँ हर मज़हब है, हर ज़बान है, हर किस्म का तरीका है। आप तमिलनाडु लीजिए, कश्मीर लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, कोई भी रियासत लीजिए, अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें हर धर्म की हमने हिफाजत करनी है। यहाँ कश्मीर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। उनकी तरफ हमारा रवैया अच्छा होगा तो इंशाल्लाह सारे मुल्क में। असम विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाली छुट्टी को रद्द करने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। गिरिराज सिंह ने इस फैसले की तारीफ की है, साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया है जिसने इस फैसले की आलोचना की है। गिरिराज सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। देखिए इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे, मैं जानता हूँ। अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे, यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने की? हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है। भारतीय जनता पार्टी की एक और नेता शाहनवाज हुसैन ने भी इस फैसले की तारीफ की है। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि लोकसभा, राज्यसभा या किसी अन्य दूसरे सदन में इस तरह का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इस पूरे मसले पर चल रहे बयानबाजियों के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का कहना है कि लोगों को जो कहना है वो कहते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।